हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ फिश करी रेसिपी। अगर आप एक बार ऐसे बना ले तो बार बार ऐसे बनाना पसंद करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। उसके लिए 1 kg रोहू फिश, पीली सरसों, लहसुन का कलिया और अदरक बारीक काट लिए है, धनिया पत्ता, टमाटो, 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेंगे, 1 चम्मच नमक और लहसुन अदरक का पेस्ट, चिल्ली पाउडर 1 चम्मच, धनिया पाउडर। अब ये सबको मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करके इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाले सब अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद हम 15 मिनट के बाद फ्राई करेंगे। तब तक सरसों, लहसुन, अदरक को मिक्सर में ग्राइंड कर लेते हैं। हल्का पानी ऐड करके ग्राइंड कर लेंगे। इसी तरह ग्राइंड करना है। तो देखिए तेल हीट हो चुका है, तेल में से धुआं निकल रहा है। अब इसमें हम फिश डालेंगे। तेल में से धुआं निकलने के बाद ही फिश ऐड करेंगे ताकि फिश टूटे ना। वन साइड फ्राई हो चुका है, अब इसे दूसरी साइड फ्राई करेंगे। हल्के हाथे ही इसे पलटेंगे। सब फिश को मैं पलट चुकी हूँ। मैं इसको थोड़ा सा क्रिस्पी रखती हूँ। आप चाहे तो आपको जितना पसंद है उतना ही फ्राई करें। तो ये सब फिश फ्राई हो चुका है। अब इसी तरह हम बाकी का फिश को फ्राई करेंगे। अगर आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हो। फिश के लिए मसाला को भूनेंगे। उसके लिए पैन हीट हो चुका था, तेल भी ऐड कर दिए हैं। उसके बाद हम फोरन में जीरा, मेथी ये सब ऐड करेंगे। फोरन देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम जो मसाला पेस्ट बना कर रखे हुए थे वही ऐड करेंगे। अब इसको ऐड करके थोड़ा देर भूनेंगे। अब इसमें हम टोमेटो ऐड करेंगे। बारीक काट के यूज कर रही हूँ मैं। आप चाहे तो इसे पेस्ट भी बना सकते हैं। ये दोनों को अच्छे से पकाना है। नमक स्वाद अनुसार लेंगे। चिल्ली पाउडर 1 चम्मच डालेंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। ये सबको अच्छे से मिला देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे और 4 से 5 मिनट इतना इसे पकने देंगे। बीच बीच में इसे चलाते रहना है ताकि मसाला जले ना। अब ढक देंगे थोड़ा देर के लिए। तो देखिए तेल ऊपर आने लगा है, इसका मतलब है मसाला अच्छे से पक चुका है। अब थोड़ा देर और इसे भूनेंगे। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। देखिए मसाला कितना अच्छा से पक चुका है। ग्रेवी आपको जैसा पसंद है उसी हिसाब से पानी ऐड करें। ग्रेवी आपको थोड़ा ज़्यादा गाढ़ी पसंद है तो पानी कम डालें, और पतली पसंद है तो पानी थोड़ा ज़्यादा डालें। मैं यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ। अब इसमें उबाल आने का वेट करेंगे। तब तक के लिए थोड़ा देर ढक देते हैं। जैसे इसमें उबाल आ जाएगा उसके बाद देखिए उबाल आ चुका है। अब इसमें हम फ्राई करे हुए फिश ऐड करेंगे। फ्राई करे हुए फिश को डालने के बाद इसे 8 से 10 मिनट धीमी आंच पे पकाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना फिश टूटने लगेगा। इसी तरह सब फिश को डाल देना है कड़ी में। अब
थोड़ा सा बारीक कटी हुई धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। फिश को ढकना नहीं है। तो देखिए कितना अच्छा फिश बनकर तैयार हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छा कलरफुल दिख रहा है। आप इसे रोटी चावल जो भी चीज़ के साथ ले सकते हैं। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।